मार्केट में जब कोई नया ट्रेंड आता है तो अधिकतर लोग उसके पीछे पागल हो जाते हैं और उस ट्रेंड को फॉलो करने में लग जाते हैं। कुछ लोग ये देखते हैं कि मैं उस ट्रेंड से कैसे पैसा कमा सकता हूँ, कैसे फेम कमा सकता हूँ, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पीछे पीछे ये सोचते हैं कि भाई अब मैं इससे किसको बदनाम कर सकता हूँ, या मैं इसकी जगह इसको लगा दूंगा तो मुझे कितना ब्लैक मनी आएगा या कितना पैसा मिलेगा। हर एक ट्रेंड अच्छा नहीं होता। कुछ ट्रेंड ऐसे होते हैं जो दूसरे लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट करने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे कि डीप फेक की ही बात करो, डीप फेक वीडियो वायरल करने का एक ट्रेंड सा चल गया है। किसी और की शक्ल पे किसी और की शक्ल लगा दो और उसका डीप फेक बना दो और उसको वायरल कर दो और फिर कुछ ना कुछ कमाओ। ये क्या चल रहा है? क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? जिसे देखो वो इसकी चपेट में आ रहा है, जिसे देखो उस पर ज्यादातर बॉलीवुड सेलेब्स पर ये डीप फेक बन रहा है। अभी तो रश्मिका मंदाना का एक डीप फेक वीडियो वायरल हुआ था जो हम सब ने देखा था, जिसमें वो लिफ्ट के अंदर आती हुई दिख रही हैं जबकि वो कोई और ही लड़की थी, और मामला इतना बड़ा हो गया था कि पुलिस में इसकी शिकायत भी दर्ज करवाई गई थी और जिस शख्स ने ये वीडियो बनाकर वायरल किया था उसकी अब गिरफ्तारी भी हो गई है। मामले पर एक मामले पर जीत हुई तो भाई दूसरा मामला सामने आ गया। रश्मिका मंदाना वाला केस सॉल्व हुआ तो अब यहाँ पर दूसरा डीप फेक वीडियो का मामला सामने आ गया, और वो दूसरा मामला पता किसका है? नोरा फतेही का। जी हाँ, अब नोरा फतेही का जो डीप फेक वीडियो है वो वायरल हो रहा है और यहाँ पर अब लोगों के सामने वो नोरा फतेही का डीप फेक आया और लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये सच है या नहीं। जैसा कि हम सब जानते हैं, नोरा कई फैशन ब्रांड्स को इंडोर्स करती है, कई ब्रांड्स की नोरा ब्रांड एम्बेसडर भी है, पर एक ब्रांड ऐसा है जिसके बारे में खुद नोरा भी नहीं जानती और उनको वहां का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया और किसी और की जगह नोरा की फोटो लगा दी गई। जी हाँ, इंटरनेट पर नोरा का जो डीप फेक वीडियो वायरल हो रहा है उसमें यही कहा गया है और उसमें वही नजर आ रहा है जहां पर एक्ट्रेस के फेस को मॉर्फ कर दिया गया है, और ये एक ऑनलाइन शॉपिंग ब्रांड है जिसे कहने के लिए नोरा एंडोर्स करती हुई, या कह लीजिए उस ब्रांड को ज्यादा अच्छा दिखाने के लिए नोरा एंडोर्स करती हुई नजर आ रही है, लेकिन वो सच में नोरा है ही नहीं। ये एक प्रमोशनल वीडियो है जिसमें नोरा फतेही नजर आ रही हैं, लेकिन इसमें डीप फेक का इस्तेमाल किया गया और एक्ट्रेस ने जैसे ही ये वीडियो को सोशल मीडिया पर देखा, वो स्क्रॉल कर रही होंगी बैठे, वो भी अगर फ्री होती हैं तो वो इंस्टा स्क्रॉल कर रही होंगी, या किसी ने भेज दिया होगा कि मैडम जी आपका भी डीप फेक बन गया है, वीडियो वायरल हो रहा है, तो तुरंत नोरा फतेही ने रिपोर्ट किया इंस्टाग्राम पर। उन्होंने स्क्रीनशॉट लगाया और नोरा ने रिएक्ट किया और लिखा कि मैं शॉक्ड हूँ कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं और ये मैं नहीं हूँ, किसी ने मेरा डीप फेक वीडियो बनाया है और ये प्रमोशनल वीडियो फेक है, मैं इस ब्रांड को जानती भी नहीं और ना ही इसे मैं इंडोर्स करती हूँ। यहाँ पर नोरा फतेही ने ये क्लैरिफाई कर दिया है कि भाई ना ही मैं इस ब्रांड को जानती हूँ, ना ही मैंने ये ऐड किया है, ना ही मैं इसकी ब्रांड एम्बेसडर हूँ, लेकिन पता नहीं ये कौन से लोग हैं और क्या करते हैं, और मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हूँ कि लोग इस तरह की चीज़ें करते हैं, लेकिन मैं इस ब्रांड को नहीं जानती हूँ, मैंने इसके कोई भी ब्रांड प्रमोशन नहीं की है, ये किसी ने मेरा डीप फेक बनाया और पता नहीं ऐसी चीज़ें क्यों हो रही हैं, ये मैं नहीं हूँ। ये नोरा फतेही की स्टेटमेंट है जो उन्होंने पोस्ट की है। तो नोरा फतेही का जो डीप फेक वीडियो है वो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, लोगों के सामने वो डीप फेक वीडियो आ रहा है, जिसके बाद यहाँ पर बहुत सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि ये डीप फेक वीडियो का एंड कब होगा, कब ये डीप फेक वीडियो बनने बंद हो जाएंगे, आपको क्या लगता है कि इस पर अब स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए या इसका अंत कब होगा, इस पर आप लोगों का क्या कहना है वो हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, और तमाम इसे और जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।